You know just what you do to me. Play my emotion. वैसे मैं इतना कोई न्यूज़ वगैरह नहीं देखती हूँ, लेकिन परसों ही मैंने देखा एक पोस्ट पे लिखा हुआ था कि नवंबर से लेकर जनवरी तक 35 लाख शादियाँ हैं. इतने सारे लोग शादी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लास्ट में ना बस मैं और सलमान खान ही बचने वाले हैं. वैसे इन 35 लाख शादियों में से कुछ शादियाँ तो मेरे घर में भी है, मेरे खानदान में मेरे जानने वालों की भी है. लेकिन इन शादियों के सीज़न जब जैसे ही आता है ना, हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं और बहुत मज़ा करते हैं, क्योंकि इसमें गैदरिंग होती है, हम सब कज़न्स आते हैं, सब मिलते हैं जुलते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं. लेकिन हर अच्छी चीज़ के पीछे ना थोड़ी बहुत बुराइयाँ भी होती हैं. जैसे कि अगर कोई शादी हो गई या फिर किसी भी तरह का कोई फेस्टिवल हो गया, उस टाइम पे हम हर तरह की चीज़ें अपने स्किन पे, अपने बाल पे, अपने ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि बस उस दिन मैं अच्छी लग जाऊँ, बस उस दिन का मेरा कुछ हो जाए, बस उस दिन मेरा सब कुछ परफेक्ट हो जाए. और उस दिन तो हमारा सब कुछ परफेक्ट हो जाता है, लेकिन उस दिन के बाद हमारी स्किन खराब, बाल खराब, बॉडी खराब, और लास्ट में आपने देखा होगा कि हम सबकी हेल्थ भी खराब होती है. जैसे ही फेस्टिवल जाता है या फिर शादियाँ जाती है, हम सबकी तबीयत भी खराब होने लगती है. इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ना कि इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया है कि जैसे ही शादियां खत्म हो या फिर फेस्टिवल खत्म हो, तो आपको एक चीज़ से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, एक तरह की होम रेमेडी, जो कि हमेशा मैं कहती हूँ सिंपल एंड इजी होम रेमेडी है. उसको आप यूज़ करोगे ना, तो आपकी जितनी भी बिगड़ी हुई कंडीशन आपकी स्किन की रहेगी, वो दोबारा से ट्रैक पे आ जाएगी. और अगर इस वीडियो को आपने देख लिया ना, तो आपकी स्किन के जो मसले आपको दोबारा से हो जाते हैं जैसे ही शादियां खत्म होती है, फेस्टिवल जाता है, वो सारे मसले आपके सुलझ जाने हैं. लेकिन आपके मसलों को सुलझाने से पहले आप सबका वेलकम करना भी बहुत ज़रूरी है. तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, डायमंड फ्लिंग्स, एंड वेलकम टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स एंड फैमिली आउट देयर. उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं, अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं और अपना बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हाई, मैं हूँ अफशा सिद्दीकी और मैं ही हूँ वो लड़की जो बनाती ऐसी वीडियो जिससे आप सबके स्किन, हेयर, बॉडी सब कुछ क्लीन एंड हेल्दी रहते हैं. ऑल्सो मैं इंक्लूड करती हूँ अपनी वीडियो में वो सारी की सारी होम रेमेडीज जिसने मुझे टॉप के रिजल्ट दिए हैं, जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं. तो हाँ, मैंने थोड़े से बाल कटवा लिए हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया आप लोगों से कि मेरे घर में भी वो 35 लाख में से कुछ शादियाँ मेरे घर में भी हैं, तो मैंने सोचा थोड़े से अपने छोटे छोटे से बाल कटवा लिए. लेकिन मैंने बहुत अपने बाल नहीं कटवाए, क्योंकि मुझे बाल लंबे ही अच्छे लगते हैं. तो आज मैं बालों से नहीं, आज मैं स्किन से रिलेटेड बात करने वाली हूँ. आप सबके साथ एक बहुत ही सिंपल सा स्क्रब शेयर कर रही हूँ, जो कि आप यूज़ करते हो, जो कि आपकी स्किन पे जितनी भी डैमेज स्किन, आपकी स्किन जितना भी आपके पोर्स होते हैं, जो पोर्स आपके बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जिसके वजह से उसके बाद हमें पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं और ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि हमारी स्किन पे डैमेज स्किन हमेशा के लिए जम जाती है, क्योंकि हमने बहुत मेकअप वगैरह भी करा होता है. उस टाइम शादियाँ करें तो थोड़ा बहुत तो बनता भी है, लेकिन उसके बाद आपको दोबारा ट्रैक पे आना बहुत ज़रूरी है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करो. इसलिए आज आप सबके साथ एक बहुत ही सिंपल होममेड स्क्रब शेयर कर रही हूँ, जिससे आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हो, प्लस बिना किसी हार्श केमिकल के, और वो भी अपने घर में बैठे हुए. मुझे पता है विंटर का सीज़न चल रहा है, तो इस टाइम पर तो कुछ करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है. इसीलिए ये आप आराम से कर सकते हो और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई परेशानी नहीं होने वाली. तो उस होममेड एंड सिंपल से स्क्रब को आप सबके साथ शेयर करने के लिए मुझे थोड़ा सा इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, जिससे कि आप सब देख सको कि मैं कौन सा होममेड स्क्रब आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ. जितना भी ब्रांडेड मेकअप लगा लो, जितने भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ कर लो, वो सारी चीज़ों में केमिकल ज़रूर मिला होता है, जो कि हमारी स्किन पे हर तरह का डस्ट, हर तरह की इम्प्योरिटीज़ और हर तरह की इम्प्योरिटीज़ को हमारी स्किन पे छोड़ जाता है. इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें अपनी स्किन को साफ करना, उसको क्लेंस करना, अपने पोर्स को क्लेंस करना, प्लस एक्सफोलिएशन एक बेस्ट प्रोसेस है हमारी स्किन से हर तरह की डस्ट को हटाने का. तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जो यहाँ पे लिया है वो है ये कॉफ़ी पाउडर. और कॉफ़ी पाउडर आप लोगों को पता है, जब हमें नींद आ रही होती है तो हम कॉफ़ी पीते हैं और हमको वो जगा देता है. तो कॉफ़ी हमें इंटरनली तो प्रॉफिट देता ही देता है, प्लस हमें एक्सटर्नली भी बहुत सारे प्रॉफिट देता है. ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है कॉफ़ी. तो जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपके स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ कॉफ़ी. और अगर मैंने यहाँ पे आपकी स्किन की सफाई की बात करी है, तो लेना पड़ेगा हमें दुनिया का बेस्ट क्लिंजर, और वो है हमारी दही.
दोनों चीज़ को अच्छे से मिला लो और अच्छे से अपने पूरे के पूरे फेस पे लगा लो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक भी जगह एक भी हिस्सा छोड़ो। मैंने ऐसे यहाँ पे नेक पे नहीं लगाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रखा था, लेकिन आप इसे नेक पे भी अप्लाई करोगे। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो दही होती है उसकी तासीर गर्म मानी जाती है, तो इसलिए आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हो। उसके आपके कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसको पूरे फेस पे लगा लो और 10 से 15 मिनट के लिए इसे अपने फेस पे आपको छोड़ देना है। अभी इसका दूसरा स्टेप भी बाकी है, ये नहीं कि इसके बाद आप इसको बस पोंछ लोगे और ये बस वाइप आउट कर लोगे और बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आपने इतने दिन तक मेहंदी हल्दी और दिवाली भी 3 दिन की होती है, तो तीनों दिन तक आपने मेकअप करा, तीनों दिन तक आपने स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट करा, तो इसलिए इसको भी आपको दो प्रोसेस में ही आपको इसे करना पड़ेगा। अब देखो पहला प्रोसेस तो आपका हो गया, अब दूसरा प्रोसेस ये है कि आपको क्या करना है। एप्पल, एप्पल तो हम सब खाते हैं, एप्पल के आपको छिलके लेने हैं। जिन जिन लोगों ने भी पढ़ाई करी होगी एसिड के बारे में या जो लोग साइंस बैकग्राउंड में रहे होंगे उन लोगों को पता होगा कि एसिड्स क्या करते हैं हमारे स्किन के लिए। हर तरह के स्किन प्रॉब्लम के लिए हर तरह के अलग एसिड होते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट एसिड को लेना ऐसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो इसलिए मैं बता भी नहीं पाऊंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट एसिड को लेने से बेटर है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करो जो जिसमें वो एसिड मौजूद हो। जैसे कि अब ये जो एप्पल होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है जिससे कि एक नेचुरल अल्फा हाइड्रोक्सा एक से नेचुरल एक्सफोलिएटर कहा जाता है, और मैलिक एसिड को ना एक अल्फा हाइड्रोक्सी कहा जाता है जिससे कि एक नेचुरल एक्सफोलिएटर होता है। वो एक्सफोलिएट जैसे कि मैंने आपसे बताया कि आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएशन करना पड़ेगा, जो कि आपके फाइन लाइंस को भी रिमूव करता है, आपकी स्माइल लाइन को रिमूव करता है, प्लस आपके पोर्स को क्लीन कर देता है। इसका मतलब ये कि ये एक बेस्ट क्लींजर पूरा आपका ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट मिला के हो गया। अब इस दोनों छिलके से आपके फेस पे आपको अच्छे से स्क्रबिंग करनी है। बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, कम से कम नहीं तो 5 से 7 मिनट के लिए अपने पूरे फेस पे अच्छे से आप स्क्रबिंग करोगे। एंड सबसे अच्छी बात ये है इस स्क्रब की ना कि इसमें बिल्कुल भी दरदरापन नहीं, तो आप चाहे से जितनी देर तक अपने फेस पे स्क्रब कर सकते हो ये आपको बेहतरीन एंड बेस्ट रिजल्ट देगा। उसके बाद आप अपने फेस को वाइप आउट कर सकते हो, हल्के से ल्यूक वार्म वाटर से भी अपने फेस को वाइप आउट करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं, क्योंकि अभी ठंड चली तो इतना बहुत तो हम लोगों को चलता ही है। उसके बाद आपकी स्किन की हो जाएगी अच्छे से सफाइयाँ, और इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने हर तरह के फंक्शन एंड हर तरह के फेस्टिवल के बाद, जो कि आपके स्किन की अच्छे से सफाई कर देगी, अच्छे से आपके पोर्स क्लीन कर देगी, सारी डेड सेल को हटाएगी, और तो और आपको आपके स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगा। तो देखा कितना सिंपल एंड ईजी था ये स्क्रब बनाना और इसको यूज़ करना। और आज मैं आप लोगों से ये भी बता देती हूँ कि इसको हर तरह की स्किन टाइप वाले इसे यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हो। और जो जो जिन जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है अक्सर लोग कहते हैं उन्हें ये नहीं यूज़ करना चाहिए, वो नहीं यूज़ करना चाहिए। हाँ, आपकी स्किन की कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप किसी मेडिकेटेड मेडिकल कंडीशन पे हो, आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, आपको बहुत स्किन के मसले होते हैं, तो आप जा सकते हो। उसके बाद आप पहले आप डॉक्टर के पास ही जाओ, उसके बाद ही आप किसी नेचुरल चीज़ पर जाओ। लेकिन जहाँ तक ये है कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनके कोई नुकसान नहीं होते हैं, जैसे कि आपको अगर कोई फ़ायदा नहीं दे रही होती तो उसके कोई नुकसान नहीं होता, आप यूज़ करके उसे देख सकते। अच्छा लगा हो मुझसे बात करना, मेरी बातें सुनना, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मुझसे दोबारा मुलाकात करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो कोई आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा ज़रूर होगा जिसके घर में बहुत सारी शादियाँ पड़ी होंगी, जो कि अपने फेस पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, तो फटाफट उसको ये वीडियो शेयर करो। इससे क्या होगा, मेरी उससे मुलाकात भी हो जाएगी और उसकी हेल्प भी हो जाएगी। इस तरह की सिंपल एंड इजी रेमेडी जो आप जानते हो, जो कि बहुत ही सिंपल एंड इजी हो लेकिन बहुत ज़्यादा काम की हो, मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मुझे शेयर कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।